ग्राम बिरोदा में प्रतिवर्ष अनुसार 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरोदा प्रांगण में वंदे मातरम क्रीड़ा संघ द्वारा बजरंगबली के चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर और पूजन कर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि मुकेश भावसार, नेशनल कबड्डी खिलाड़ी वसंत गाड़े, संचालक SGM, कोच उमाकांत चौधरी, नारायण महाजन, दिलीप चौधरी प्रभारी, प्राचार्य संदीप चौधरी, क्रीड़ा संघ के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पूजा अर्चना कर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज किया गया, जिसमें 30 टीमें भोपाल, विदिशा, इंदौर, लालबाग, बुरहानपुर और महाराष्ट्र से नासिक, चोपड़ा, जलगांव, रावेर आदि जगह से आई थी और जिसमें विदिशा की टीम की जीत हुई। पुरस्कार वितरण में प्रथम पुरस्कार वीरेंद्र तिवारी अध्यक्ष नगर निगम शाहपुर और द्वितीय पुरस्कार पायल ज्वेलर्स बिरोदा और साथ ही में स्वर्गीय सुभाष पाटिल की स्मृति में दिया गया। प्रथम ट्रॉफी स्वर्गीय रघुनाथ चौधरी की स्मृति में और द्वितीय ट्रॉफी गजानन ट्राइडर्स बिरोदा और पांडू रंग लिनकर इनकी ओर से दी गई और सभी खिलाड़ियों की भोजन व्यवस्था उमाकांत चौधरी द्वारा की गई। हम वंदे मातरम क्रीड़ा संघ ग्राम बिरोदा से गत 10 वर्षों से कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, जो राज्य स्तरीय पर किया जाता है, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों से टीमें आती है। मध्य प्रदेश में भोपाल, विदिशा, इधर महाराष्ट्र में एरंडोल, जलगांव, भुसावल और रावेर ऐसे जिलों से टीमें आ रही है। ये पिछले हम 10 वर्षों से टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और हमारा क्रीड़ा संघ क्रिकेट नाइट क्रिकेट स्पर्धा का भी आयोजन करता है, वो भी पिछले 2 वर्षों से करवा रहा है। BPL, जिसको बिरोदा प्रीमियर लीग के नाम से आयोजित किया जाता है, यह भी हमारा वंदे मातरम क्रीड़ा संघ आयोजित करता है। और ऐसी कई गतिविधियां जो हमारे ग्राम में करवाई जाती है, उसमें हमारा वंदे मातरम क्रीड़ा संघ सहयोगी रहता है, सहभागी रहता है। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। हमें खुशी है कि ग्राम का नाम बिरोदा। पंकज पाटिल, प्रवीण चौधरी की रिपोर्ट।